UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के विषय में। इस समय जहां एक ओर सरकार पूरी जोर शोर से प्रदेश को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी इसकी आलोचना करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि आलोचना करने वाले भी वही लोग हैं जो कि खुद सत्ता में थे और उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आज वही लोग रोजगार पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्होंने वास्तव में रोजगार के लिए कुछ भी किया ही नहीं। जो इतना बड़ा आयोजन इन्वेस्टमेंट मीट हो रही है, हमें खुशी है कि इन्वेस्टमेंट आए। मैं बाबा से भी प्रार्थना करूंगा कि बीजेपी के लोगों की कोई बात झूठी ना निकले। मैं बाबा से एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, उनके स्थान पे खड़ा होकर के कि भारतीय जनता पार्टी की कोई बात झूठी ना निकले। इस समय प्रदेश में इन्वेस्टर्स का जमावड़ा लगा हुआ है और रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव भी आ रहे हैं। अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो इस समय 23 लाख करोड़ से भी अधिक के OMU साइन हो चुके हैं, जो कि आने वाले समय में प्रदेश की काया पलट करने की कुवत रखते हैं। इसी बाबत रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन धीरूभाई अंबानी ने भी अपना बयान दिया और कहा कि जिस तरह से भारत दुनिया में उम्मीद की किरण साबित हुआ है और हो रहा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश भारत में उम्मीदों का एक केंद्र बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। सम्माननीय श्री योगी जी, जैसे आज पूरी दुनिया के लिए भारत आशा का केंद्र बन गया है, वैसे ही आज नए भारत के लिए उत्तर प्रदेश आशा का केंद्र बन गया है। नोएडा से गोरखपुर तक लोगों में जोश और उत्साह दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, उत्तर प्रदेश भारत का उत्तम प्रदेश बनकर उभर रहा है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए हमारा चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।